केबल कार्स तो इस टाइम बंद है बिकॉज ऑफ COVID-19। एशिया के बाहर ये सबसे बड़ा चाइना टाउन माना जाता है, जहाँ से कि सैन फ्रांसिस्को बे का सबसे सुंदर व्यू देखने को मिलता है। गाइस, इस समय हम खड़े हैं सैन फ्रांसिस्को के यूनियन स्क्वायर में, और ये यूनियन स्क्वायर जाना जाता है अपने ब्रॉड रोड्स के लिए, अपने केबल कार्स के लिए और शॉपिंग सेंटर्स के लिए। केबल कार्स तो इस टाइम बंद है बिकॉज ऑफ COVID-19, तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। अदरवाइज़ आई थॉट कि हम लोग उसे राइड करेंगे और जाएंगे फिशरमैन वॉक, बट वो आज नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे उनमें से एक है मेसीज, और मुझे दिख रहा है टिफनी एंड को एंड साक्स फिफ्थ एवेन्यू, और भी बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं आसपास। तो गाइज, हम यूनियन स्क्वायर बेसिकली आए थे केबल कार का एक्सपीरियंस लेने के लिए, बट इट्स हाईली डिसअपॉइंटिंग कि बिकॉज ऑफ COVID-19 केबल कार्स तो बंद है। चलो, तो यहाँ से हम जाएंगे अभी चाइना टाउन, और काफ़ी वॉकिंग है यहाँ से। इस समय हम खड़े हैं अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे बड़े चाइना टाउन में, और एशिया के बाहर ये सबसे बड़ा चाइना टाउन माना जाता है। आज जो है 4 जुलाई है, इनका इंडिपेंडेंस डे है, तो ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद है। नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल चाइना जैसा एनवायरनमेंट होता है, और खाना भी चाइनीज़ खाना मिलता है, और आज हम वो फील नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सारी की सारी शॉप्स बंद है बिकॉज ऑफ 4 जुलाई। तो हमने अपनी गाड़ी समय पार्क की है यूनियन स्क्वायर में, और वहाँ से हम वॉकिंग इस ठंड में चाइना टाउन देखने आए थे और यहाँ पे खाना खाने आए थे, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ये भी आज बंद है। कोई बात नहीं, हम आपको न्यूयॉर्क का चाइना टाउन ज़रूर दिखाएंगे। तो ये है ट्रांस अमेरिका पिरामिड, जो कि है 48-story skyscraper, और सैन फ्रांसिस्को स्काईलाइन की ये 2nd tallest बिल्डिंग है। तो ये है ओकलैंड बे ब्रिज, जिसे हम बे ब्रिज भी कहते हैं। ये सैन फ्रांसिस्को को ओकलैंड से जोड़ता है, और इसके ऊपर से होकर निकलता है इंटरस्टेट हाईवे I-80। तो ये है सैन फ्रांसिस्को की म्यूनी बसेस। अगर आप सैन फ्रांसिस्को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके घूमना चाहते हैं, तो आपको म्यूनी की बसेस, स्ट्रीट कार्स और मेट्रो मिल जाएगी, जिसमें कि आप क्लिपर कार्ड या कैश लेके जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे फिशरमैन्स वॉर्फ पियर 39 में, और वहाँ से सैन फ्रांसिस्को बे का बहुत सुंदर व्यू दिखता है। और यहाँ पे हो रही है आउटडोर डाइनिंग, क्योंकि कोविड की वजह से इंडोर डाइनिंग बिल्कुल बंद है, ठंड है, तो यहाँ पे इस तरह से हीटिंग अरेंजमेंट्स भी यहाँ पे किया हुआ है। तो गाइज, अब हम पहुँचने वाले हैं फिशरमैन वॉर्फ। ये वो जगह है जहाँ से कि सैन फ्रांसिस्को बे का सबसे बेस्ट व्यू मिलता है। तो हम जा रहे हैं पियर 39। सबने कहा है कि वो बेस्ट जगह है वहाँ पे जाने की, और वहाँ से बेस्ट व्यू मिलता है। लेट्स गो देयर एंड फाइंड आउट। आप सोचेंगे कि अगर पियर 39 से बे का सबसे सुंदर व्यू मिलता है, तो हम वहाँ शाम को क्या करने जा रहे हैं? तो हम आज व्यू देखने नहीं आए हैं, आज हम आए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन देखने के लिए। और फाइनली अब हम पहुँच गए हैं पियर 39 पे।
और रौनक काफ़ी है यहाँ पे, तो अभी हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है। तो पियर 39 से अल्केट्राज का सबसे क्लोजेस्ट व्यू मिलता है, यहाँ से अल्केट्राज बहुत क्लियरली दिखता है। तो कल दिन में मैं आपको एक पूरा फिशरमैन्स वॉर्फ जो है दिखाने लेकर आऊँगी। गाइज मैं खड़ी हूँ इस समय फिशरमैन वॉर्फ्स पे, इनके इसके पियर 39 पे, जहाँ से कि सैन फ्रांसिस्को बे का सबसे सुंदर व्यू देखने को मिलता है। हमें आने में थोड़ी लेट हो गया तो मैं वो व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और ये वो जगह है जो कि हब था फिशिंग फ्लीट का, बट आज यहाँ देखने को मिलते हैं बहुत सारे सी फूड रेस्टोरेंट्स, बार्स और बहुत सारे शॉप्स जहाँ से कि आप सुवीनियर्स खरीद सकते हैं। और यहाँ पे सी लाइंस, दिन में अगर आएंगे तो बहुत सारे सी लाइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आज है July 4th और इनका है इंडिपेंडेंस डे, तो आज यहाँ पे बहुत सारा फायरवर्क होने वाला है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि किस टाइप का फायरवर्क होगा, कितना ज़्यादा होगा। और अभी टाइम हुआ है 9:20 और 9:30 पे ये स्टार्ट हो जाएगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। आई होप यू टू विल एंजॉय इट, रियली अमेजिंग। और यहाँ पे ना बिल्कुल माहौल पता है कैसा है, जैसे मेले का होता है ना, मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे हैं और ये सारे लोग ना दोपहर से यहाँ इकट्ठे होना शुरू हो गए, मतलब इंच भर भी जगह नहीं है यहाँ खड़े होने की। इट इज़ रियली अमेजिंग, वाओ, पूरा आसमान रंग बिरंगे कलर से भर चुका है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मज़े की बात है, वाओ, मन पूरा सितारों से भर चुका है। रिकॉर्डेड वाओ, जितने रंग आसमान में ना उतने ही रंग हमें पानी में भी दिख रहे हैं। Really, it's really, really, really awesome. हमें तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है, होप आप भी वैसा ही इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है हमारा जो 1.5 घंटा इस ठंड में खड़े रहना, मतलब और इस चीज़ का इंतज़ार करना, वाओ वाओ, लुक एट दैट, ओह इट्स अमेजिंग, मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ हमने वेट कर लिया, नहीं तो मुझे लग रहा था इस ठंड में हम वापस चले जाएंगे, बट नहीं, आसमान इसे बिल्कुल सितारों से भर चुका है, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। तो ये है यहाँ का बहुत फेमस क्लैम चाउडर सार्डो ब्रेड, और हम तो अपना डिनर कर चुके हैं बट गौरी को ये ट्राई करना था। तो ये बेसिकली होता ये है कि एक ब्रेड होती है राउंड सी, उसके अंदर उन्होंने चीज़ डाला होता है, कुछ नॉनवेज होता है, तो गौरी वांट टू ट्राई इट, बट उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा ये। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं और मैं आपको लेके जाऊंगी पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।